नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का न्यूज 69 भारत में स्वागत है। मैं हूँ मनीष कुमार झा। आइए जानते हैं आज की कौन सी खबर प्रमुख रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, तमाम लोग सड़क पर हैं एवं कांग्रेस का पुतलाधन कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि कांग्रेस ना सुधरने वाली पार्टी है, हमेशा ऐसा बयान देती है जो विवादित होता है। राष्ट्रपति के लिए दिया गया बयान विवादित है और इसे तत्काल वापस लेते हुए माफी मांगना चाहिए। इसके लिए सांसद का पुत्राधान भी किया गया है। बता दूं कि कांग्रेस सांसद ने एक विवादित बयान दिया है जिसमें कहा है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपति है। इस पर बवाल हो रहा है, तमाम लोग उनका पुत्राधान कर रहे हैं। क्या था कार्यक्रम आज का? आज भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत कल दिल्ली में कांग्रेस से पश्चिम बंगाल के सांसद श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रेस को कहा गया कि ये जो महामहिम राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपत्नी है। इस बात को उन्होंने एक बार नहीं, तीन बार दोहरा है। आपने टीवी चैनल में भी देखा होगा। तो यह उनका यह बोलना ये राष्ट्र के विरुद्ध है, देश के विरुद्ध है, और न केवल राष्ट्र और देश के विरुद्ध है, उन्होंने आदिवासी महिला का भी अपमान किया। और एक आदिवासी का अपमान, एक महिला का अपमान जिस तरह से कांग्रेस ने किया है, तो कांग्रेस का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया कि ये कांग्रेस आदिवासी विरोधी है, महिला विरोधी है। और इसके विरोध में और प्रत्येक जिले में विरोध, धरना, प्रदर्शन, पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी धनबाद ग्रामीण जिला के तहत आज गोविंदपुर में, जो कि हम लोगों का मुख्यालय है, वो हरदेव राम स्मृति भवन से पूरे जीटी रोड में ऊपर बाजार तक भ्रमण करते हुए हम लोग सुभाष चौक में आज हम लोगों ने अधीर रंजन और कांग्रेस का पुतला दहन किया और उसका विरोध किया और लोगों के सामने उनका चेहरा को बेनकाब किया। इसी के तहत आज हम लोग कार्यक्रम में यहाँ पर आए थे और इस कार्यक्रम में हमारे माननीय सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो जी की धर्मपत्नी तारा देवी जी और हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य धर्मजीत सिंह जी, ये दोनों मुख्य रूप से उपस्थित थे। तो इन लोगों के साथ मेरे नेतृत्व में विशाल यहाँ पर जुलूस निकला। इसके लिए मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री मोतीलाल जी मुर्मू के साथ हम लोगों ने, सारे नेताओं के साथ, एक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने कार्यकर्ताओं ने यहाँ योगदान दिया और यह भी दिखाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी धनबाद ग्रामीण में बहुत मजबूत है और मजबूती के साथ सरकार के या कांग्रेस पार्टी के, राज्य सरकार के हर विरोधी नीति, जन विरोधी नीतियों का। लोगों को ऐसा लग रहा है कि विधायक जी अभी बीमार चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो प्रगति है वो कम हो रहा है, विकास का जो स्तर है कम है। इस पर आप क्या कहेंगे, कितना काम कर रही हैं आप? ग्राउंड पर वो नहीं है उनके अनुपस्थिति में। विधायक जी अस्वस्थ चल रहे हैं, ये सही बात है। आज 1.5 साल से वो स्वास्थ्य लाभ हैदराबाद में ले रहे हैं, लेकिन विकास का काम में कहीं कोई कमी नहीं है, वो काम हो रहा है और प्रगति से हो रहा है। एक बार कार्यक्रम में मैं गया था तो गोविंदपुर के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे थे कि भाई बलियापुर से वो हैं तो बलियापुर को अधिक फायदा मिल रहा है, गोविंदपुर की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कितना सच है कैसे हो रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। विधायक जी ने खुद अपने जो